हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम टेस्ट करने वाले हैं अपने जो वारी ऑल ब्लैक मोनोपैर सोलर पैनल हैं, जो कि 400 वाट में आते हैं। तो इनकी हम परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। बेसिकली हम ये टेस्ट करेंगे कि सुबह के टाइम कितना एम्पियर और वोल्टेज मिलेगा, दोपहर के टाइम कितना पीक एम्पियर और वोल्टेज जाएगा, और फिर शाम को कितना एम्पियर और वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। तो दो तीन टेस्टिंग हम इसमें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस हमको पूरा दिन देखने को मिलती है वारी 400 वाट ऑल ब्लैक सोलर पैनल से। तो अभी मैं टाइम अगर आपको दिखाऊँ तो 7:43 टाइम हुआ है और मेरे पास 800 वाट सोलर पैनल है फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं केवल एक पैनल की टेस्टिंग करूँगा, एक पैनल को ही कनेक्ट करके चेक करेंगे कि कैसी जो परफॉर्मेंस है हमें देखने को मिलेगी। धूप फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको मैंने UTL गामा प्लस 12 वोल्ट 1 किलोवाट के साथ में इंस्टॉल कर रखा है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ड्राइंग आप इसमें कर सकते हैं, तो वो ड्राइंग ज़्यादा टाइम तक रहती है। अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसे लगा देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा समय तक वैसे लगा रहता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, आई थिंक ज़्यादा टाइम बाद ये मिटता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी आप करेंगे वो ऐसे बन जाता है। और प्लस एक चीज़ मैंने कल और देखी फ्रेंड्स, जो अपना पैनल है वो हीट बहुत ज़्यादा करता है, हीट बहुत ज़्यादा पकड़ता है। अगर नॉर्मल धूप भी है तब भी ये ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आई थिंक जो ब्लैक कलर है उसकी वजह से जो हीट ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इसका है फ्रेंड्स। तो एक पैनल को हम करते हैं अनइंस्टॉल, यानी कि निकाल देते हैं। तो इधर वाला जो पैनल है वो मैं निकाल दे रहा हूँ और ये वाला पैनल हम कनेक्ट रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक सोलर पैनल हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक सोलर पैनल हमारा कनेक्ट है वारी 400 वाट सोलर पैनल। बाकी स्टिकर पे आप स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैं लगा दूंगा, देख सकते हैं कितना वोल्टेज और एम्पियर हमको मिलना चाहिए। 11.50-11.5 एम्पियर जो है हमको पीक करंट देखने को मिलता है। और अभी सुबह का टाइम है और 7:45 अभी हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि 7:45 पे जो है कैसा क्या वोल्टेज एम्पियर और सारी चीज़ें देखने को हमको मिलती हैं। वैसे तो VOC 45 है, लेकिन अब सुबह का टाइम है, कोई भी धूप इस पर नहीं है, तो कितना मिलेगा वही हम केवल टेस्टिंग करने वाले हैं। फिर 800 वाट भी हम चेक करेंगे कि कैसी क्या टेस्टिंग है। तो सारी टेस्टिंग के लिए बने रहिए। और कई कमेंट्स फ्रेंड्स आ रहे हैं कि बारिश में काम अच्छा नहीं करता है, या बहुत लोगों के मन में शंकाएं हैं। तो बारिश में भी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे, जितनी भी टेस्टिंग है 400 वाट सोलर पैनल की सारी टेस्टिंग आपको इसमें मिलेंगी। तो वीडियो को अंत देखना और जो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सुबह के टाइम कैसी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है। बात की जाए मौसम की तो धूप निकलने वाली है, लेकिन अभी तक पैनल्स पे धूप पड़ना स्टार्ट नहीं हुई है। तो एक पैनल की हम टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको गामा प्लस की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं गामा प्लस की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस का यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, क्योंकि मेंस नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट। और जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 12.3 वोल्ट हो चुके हैं। तो और ये अपना हो गया वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो कहाँ गया ये आप देख सकते हैं PCO के वोल्टेज जो हैं, यानी कि जो पैनल के वोल्टेज जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो 34.1, हल्का फुल्का डिफरेंस होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो 34-35 वोल्टेज जो हैं हमको देखने को मिल रहे हैं, 35.1 वोल्टेज हमको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर बात की जाए एम्पियर की, तो एम्पियर जो अपना है 1.1 एम्पियर जो है वो आ रहा है। कितने बजे टाइम में भी आ चुका हूँ, 7:48 पे जो है हमको 1.2 एम्पियर फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है, जबकि धूप अपने पैनल पे नहीं पड़ रही है। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है आपको वारी 400 वाट सोलर पैनल की तरफ से। और अब मिलते हैं दोपहर के टाइम लगभग 11 बजे, फिर 1 बजे और फिर शाम को 5 बजे की कैसी क्या परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोपहर के टाइम और आपको दिखाते हैं कि दोपहर के टाइम कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो फिर
फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं दोपहर के 12:30, 12:31 हुआ है फ्रेंड्स, और अब परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं कि कैसी क्या परफॉर्मेंस मिलती है हमको दोपहर के टाइम। आई थिंक पैनल का एंगल उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना मिले, और धूप भी उतनी आप दे सकते हैं कड़क नहीं है, उतनी हैवी धूप नहीं है। लेकिन ऑल ब्लैक होने का फिर फ़ायदा क्या है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने नहीं मिल रही है। बाकी वायर की बात की जाए तो मैंने 4 square mm माइक्रोटेप का वायर जो है यूज़ कर रखा है, और 24 वोल्ट का ही अपना सोलर पैनल है। तो जितने एम्पियर आपको देखने मिलेंगे वो 24 वोल्ट पे होंगे, यानी कि जस्ट उसके डबल हमको चार्जिंग के टाइम एम्पियर बूस्ट करके मिलने चाहिए। तो 11.5 एम्पियर जो है कंप्लीट क्लेम करती है अपने जो पैनल से कि 11.5 एम्पियर जो है आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक मुझे फिर से देख लेना चाहिए। ओके, ये शॉर्ट सर्किट है फ्रेंड्स, 10 यानी कि 10.5 एम्पियर, सॉरी फ्रेंड्स, 10.5 एम्पियर जो है फ्रेंड्स वो पीक हमको देखने को मिलना चाहिए जो हम करेंगे जब बैटरी अपनी चार्ज करेंगे, तो 10.5 एम्पियर जो है आउटपुट हमको देखने को मिलना चाहिए पीक इसका। तो अभी टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, 12:33 हो चुका है। तो अब ले चलते हैं आपको गामा प्लस की स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि कितने क्या हमको कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दोपहर के टाइम जब धूप उतनी अच्छी नहीं है। बात की जाए महीने की, तो अक्टूबर का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, और आज की डेट आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर है। तो उतनी कड़क धूप जो होती है फ्रेंड्स अक्टूबर में नहीं होती है जितनी आप जून जुलाई में मिलेगी। तो अब जैसी परफॉर्मेंस आपको देखने मिले, और बात की जाए धूप की, तो धूप भी उतनी ज़्यादा कड़क नहीं है, और कभी कभी क्या होता है बादल भी आ जाते हैं, धूप बादल ऐसा चल रहा है। तो ले चलते हैं आपको गामा प्लस की स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर मिलता है हमें दोपहर के टाइम, यानी 12:30। और जो पैनल है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा, इसका शीशा जो है वो गर्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक हैं क्योंकि ये। तो चलिए ले चलते हैं आपको गामा प्लस की स्क्रीन पे, और देख सकते हैं मैंने दूसरा पैनल फ्रेंड्स डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो आज मैंने उसको कनेक्ट भी नहीं किया है इसकी टेस्टिंग के लिए। तो अभी फ्रेंड्स आ चुके हैं हम गामा प्लस की स्क्रीन पे, यहाँ पे KWH जो है अपना इतना हो चुका है, वोल्टेज मेंस अपना ऑफ कर रखा है और मेंस अब्सेंट भी है फ्रेंड्स। बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12.7 वोल्ट है, और जो बैटरी है 0.7 एम्पीयर से चार्ज हो रही है, यानी कि डिस्चार्ज ही हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये डॉट्स जो नीचे जा रही हैं, यानी कि अपना जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। फिर बात की जाए आउटपुट वोल्टेज, हर्ट्ज, और अपना लोड जो है वो 23% फ्रेंड्स चल रहा है, और जो SPV करंट है वो 32 वोल्ट ही आ रहा है, काफ़ी कम VOC है आपको जो देखने मिल रही है लोड पे। फिर बात की जाए एम्पियर की, तो 7 एम्पियर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। अब ये कम क्यों है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइम अगर बात की जाए तो 12:35 हुआ है, और 7 एम्पियर से ऊपर मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक, 7.5 एम्पियर से ऊपर ये नहीं गया। तो आई थिंक हो सकता है वायर से तो आई थिंक नहीं होगा, मेरे ख्याल से एंगल का ये फ़र्क है और बाकी जैसा कुछ हो, लेकिन एंगल का मुझे ये दिक्कत लग रही है कि इतना ज़्यादा एम्पियर ये क्यों नहीं जा रहा है। बाकी मैं ट्रैक करता रहूँगा और देखेंगे कि कब हाई एम्पियर कितना ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, लेकिन 7.2 अभी तक का हाईएस्ट एम्पियर हमको देखने को मिला है। तो मिलते हैं शाम के टाइम और दिखाते हैं कि कैसी क्या जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स शाम के 5 बजने वाले हैं, और अब चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है अपने वारी 400 वाट सोलर पैनल से। तो चलिए चलते हैं गामा प्लस स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हमको देखने मिलेगी वारी 400 वाट ऑल ब्लैक मोनोपर्क सोलर पैनल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.8, 0.9 जो है एम्पियर देखने को हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाती है। बात की जाए एम्पियर की, तो यहाँ पे 0.9 एम्पियर जो आपको दिख रहा है, और ये 24 वोल्ट पे है फ्रेंड्स, 0.9 एम्पियर जो है 24 वोल्ट पे है, क्योंकि अगर आप दो बैटरी चार्ज करेंगे तब ये 24 वोल्ट की बैटरीज को ये चार्ज करेगा 0.9 एम्पियर से। अगर आप 12 वोल्ट पे लगाते हैं तो लगभग इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 एम्पियर के करीब से ये
12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।